हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आपका स्वागत है इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20 सीरीज की एक बहुत ही कमाल धमाल और तड़कती फड़कती वीडियो में। दोस्तों, एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी कि हमारी इंडियन टीम के पास इतने सारे खिलाड़ी मौजूद है कि अगर हमारे सीनियर खिलाड़ी नहीं खेल रहे तब भी हमारी टीम के पास जूनियर खिलाड़ियों की पूरी फौज मौजूद है जो कभी भी किसी भी टीम के खिलाफ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। बात तो सही है। हाँ, ये बात अलग है कि अच्छी टीम होने के बावजूद भी कभी कभी हार जाती है और कभी तो आसानी से ही जीत जाती है। ये समस्या है, क्या बोलने का। और पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब वेस्ट इंडीज दौरे पर टीम इंडिया खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये टीम कैसे वर्ल्ड कप जीतेगी, और वो भी तब जिसमें से कई खिलाड़ी वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। लेकिन वहीं अभी आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में जिस तरह से टीम इंडिया खेली उसे देखकर ऐसा लगा कि अब तो वर्ल्ड कप टीम इंडिया को ही जीतना चाहिए। लेकिन इस टीम में से तो कुछ ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप की टीम में होंगे। इसके अलावा दोस्तों, टीम इंडिया मैच भी इतनी जल्दी जल्दी खेल रही है कि पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी टीम के साथ मैच खेल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खत्म हुई थी और अब आयरलैंड के खिलाफ शुरू भी हो गई और दूसरा मैच भी आ गया, और फिर ये सीरीज खत्म होने के तुरंत बाद ही एशिया कप आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज आ जाएगी और फिर तो वर्ल्ड कप ही आ जाएगा। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। इसी सिलसिले में आज टीम इंडिया फिर से एक दिन के अंदर ही दूसरा T20 मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेगी। और अगर आज कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर देता है, चाहे वह बल्लेबाज हो या फिर गेंदबाज, तो क्या पता दोस्तों कल हमें उस खिलाड़ी का नाम एशिया कप की टीम में देखने को मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कल यानी 21 तारीख को एशिया कप की टीम का चयन होने वाला है, तो ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा और चयनकर्ताओं की नजरें आज होने वाले T20 मैच पे जरूर टिकी होगी, क्योंकि इस टीम में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल हो सकते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। जिसमें संजू सैमसन, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी प्रमुख दावेदार होंगे। और इनके अलावा जसप्रीत बुमराह पर तो किसी को कोई शक नहीं है ना। ये क्या बात करता है यार। सॉरी दोस्तों, मजाक कर रहा था। लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन खिलाड़ियों में से किन खिलाड़ियों पर चयनकर्ता दाव लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब अगर आज होने वाले दूसरे T20 मैच की बात करें तो यह मैच भी उसी मैदान पर खेला जाएगा जहां पहला मैच खेला गया था। पहला मैच टीम इंडिया डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार 2 रनों से जीत चुकी है और सीरीज में 1-0 की बढ़त है, तो ऐसे में टीम इंडिया और जसप्रीत बुमराह कोई भी बदलाव करने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही उतरेंगे। और आज फिर से जसप्रीत बुमराह के साथ साथ सभी गेंदबाजों से यही उम्मीद है कि जो गेंदबाजी उन्होंने पहले मैच में की थी वैसे ही गेंदबाजी आज भी करेंगे। इसके बाद अगर बल्लेबाजों की बात करें तो उम्मीद है कि आज संजू सैमसन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और शिवम दुबे को बैटिंग करने का पूरा मौका मिलेगा, और वैसे भी हम इन सभी बल्लेबाजों को बैटिंग करते हुए देखना तो जरूर चाहते हैं। इसके अलावा हम आयरलैंड टीम से बस यही कहना चाहते हैं कि आपकी T20 क्रिकेट की काफी अच्छी टीम है, तो इस प्रकार से खेले कि मैच में थोड़ा मजा आए और टीम इंडिया के सामने थोड़ी चुनौतियां पेश करे। लेकिन ऐसी भी चुनौतियां मत दे देना कि तुम्हारी चुनौतियों का सामना करते करते हम ही हार जाए, बल्कि जितना तो हम ही चाहेंगे। सही बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।